सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकिनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर, मैं राहुल पांडे। महाराष्ट्र में महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप की वारदात के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले पुणे में एक लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में भी इसी तरह की एक वारदात सामने आई। आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सेफ शहर माना जाता है, लेकिन मुंबई के साकिनाका में महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड से हमला करने के बाद इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या वाकई में आर्थिक राजधानी मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है या नहीं। आपको बता दें कि मुंबई के साकिनाका इलाके के खैरानी रोड पर कुछ 2 दिन पहले ही एक मोहन चौहान नामक व्यक्ति ने एक महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी हत्या की कोशिश की, उसके प्राइवेट पार्ट पर जो है रॉड से हमला किया गया। महिला को पुलिस ने जो है घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने शनिवार को दम तोड़ दिया। उसके साथ उसी तरह का कृत्य किया गया था जैसे राजधानी दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था, लेकिन महिला की जान जो है नहीं बच पाई। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कुछ लोगों की मदद से एक जौनपुर के रहवासी मोहन चौहान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला की उम्र जो है 30 साल बताई गई थी, और उसके बाद जो आरोपी को पकड़ा है उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है, 21 तारीख तक उसे पुलिस की कस्टडी मिली है। इस मुंबई की इस वारदात के बाद जो है पूरा लोगों में जन आक्रोश का माहौल है। सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद इसे महाराष्ट्र पर मुंबई पर धब्बा बताया है, और खुद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए, और जो भी आरोपी जो भी दोषी है उसे कड़ी सी कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि मुंबई जो है सबसे सेफ शहर जो है माना जाता है, इस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। इस तरह का आश्वासन उद्धव ठाकरे ने उच्च अधिकारियों को दिया है। मुंबई का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि उसके बाद थाने के उल्लास नगर इलाके में जो है इसी तरह की एक वारदात सामने आई है। वहाँ पर एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने हथौड़े का धाक दिखाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। ये जो पीड़िता है वो सिरडी से अपनी माँ से मिलकर आ रही थी, और उल्लासनगर स्टेशन से सटे एक स्काई वॉक पर सुनसान जगह पर एक आरोपी ने उसे धड़ दबोचा और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के इस घटना के बाद भी जो है उल्लासनगर में के लोगों में जो है रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें वसई में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, और वसई के बाद अमरावती जिले से भी जो एक इसी तरह का केस सामने आया है, और कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक 17 वर्षीय युवती ने रेप किया गया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। जी सर, अमरावती का जो मामला सामने आया है इसमें भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुणे की बात करें तो पुणे में भी एक और पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ा में एक व्यक्ति ने खुद को ACP बताकर पैसा उधार देने के बहाने एक महिला के साथ रेप किया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, और महिला की शिकायत के बाद उस आरोपी को जो है उसकी तलाश में
जुड़ गई है। कुल मिलाकर कहें तो महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक बीते एक हफ्ते के अंदर कई रेप के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं महिलाओं के साथ, और इस कहीं ना कहीं एक झकझोर देने वाली घटना है सरकार की मस्तक पर चिंता की लकीरें जो हैं खींचते नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।